क्या नवादा में नरसंहार नहीं हुआ, क्या बेगूसराय में नरसंहार नहीं हुआ, क्या गोपालगंज में नरसंहार नहीं हुआ, कहाँ नरसंहार नहीं हो रहा है? एक दिन में 28 लोगों की हत्या हो रही है, सारे के सारे व्यवसायी मारे जा रहे हैं, कहाँ नहीं नरसंहार हो रहा है? सवाल ये है कि ये नरसंहार कौन करा रहा है? क्योंकि पुलिस जब शराब बेचने वाली लगी रहेगी, बिहार सरकार के मंत्री दारू बेचवाएंगे, तो नरसंहार नहीं होगा तो क्या होगा? तेजस्वी जी गए हैं वहाँ कल, तेजस्वी जी जाने से पहले तेजस्वी जी बंगाल में थे, उन्होंने वहाँ से हमारा MLA है चेतन आनंद, उसको भेजा एक बार, फिर दोबारा एक टीम गई इनके रामा सिंह जी हुए और भी पार्टी के तमाम लोगों के साथ, फिर तेजस्वी जी उसको छोड़ करके एक दिन के लिए आए और गए। तो आज जा करके मैं बधाई देना चाहता हूँ तेजस्वी यादव जी को, जो तेजस्वी यादव जी और पूरे राष्ट्रीय जनता दल को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि एक ना पूरी तरह से हमलावर हुए। तो अभी मैंने कहीं सुना है कि वो जो रावण सेना है वो गिरफ्तार हुआ है। बताओ, ये राम के देश में रावण सेना चला रहा है और पुलिस दारू बेचने में मस्त है, क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार जी? और यही नहीं, वो रावण सेना चला रहा है तो BJP के MLA हैं, क्या नाम है उनका, विनोद नारायण झा के संरक्षण में चल रहा है विनोद राय, वो बजरंग दल का भी प्रखंड अध्यक्ष है। तो बजरंग दल क्या कर रहा है? वो लोग जो पूर्व मंत्री है वो विनोद नारायण झा, उनके संरक्षण में वो रावण सेना चल रहा है जो बजरंग दल का प्रखंड अध्यक्ष भी है। वो लोग जो समाज के कुछ मॉब लिंचिंग करने पर तालियां बजाते थे, उनको ये समझना चाहिए कि जो मॉब लिंचिंग करने वाला जो होता है, जो जो क्रिमिनल होता है, जो इंसानियत विरोधी होता है, जो इंसानियत के खिलाफ होता है, वो से लोग किसी के नहीं, न जात के, न किसी धर्म के हैं, ऐसे लोग इंसानियत के विरोधी हैं, ऐसे लोग मोहब्बत के विरोधी। मैं भी गया था कल तेजस्वी जी के साथ, कितने क्रूरता से मारा है, गोली नहीं मारा, 10-10 गोली मारने के बाद उनके पैर को काट दिया, उसके पेट को चीर दिया, उसके सर को फाड़ दिया, इस तरह से क्रूरता दिखाया है ये बजरंग दल के लोग और रावण सेना के लोग। नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए, शर्म नहीं आती है, डूब के चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। सुशील मोदी को, सुशील मोदी दरभंगा जाते हैं और लोग बोलते हैं कि ऐसे से वहाँ नरसंहार हुआ है, तो कहते हैं कहाँ, क्या बात है, कौन है, नहीं जानते, और कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, ये आपसी वर्चस्व की लड़ाई है। शर्म आनी चाहिए भाजपा के लोगों, कितने दिन लाश पर राजनीति करोगे, देश की जनता सब समझ रही है। नीतीश कुमार के गुंडों ने बेतहाशा लाठियां और पत्थरों से हमला किया, उनके गुंडों ने इतना जुल्म किया, इतिहास के स्याह पन्ने में लिखा जाएगा कि किस तरह से नीतीश कुमार ने अपने गुंडों से बिहार के युवाओं पर, उन युवाओं पर जो नीतीश कुमार जी के 19 लाख रोजगार देने के वादे को याद कराने आए थे, उन पर पत्थरों से जानलेवा हमला किया। कई साथी हमारे बुरी तरह जख्मी हो गए। मैं आया हूं अभी कई बिहार के कई जिला से, लेकिन विशेष तौर पर आज अरवल औरंगाबाद में कई साथी के पैर टूटे, हाथ टूटे, सर फटे। तेजस्वी जी पर भी जानलेवा हमला किया गया, कार्यकर्ताओं ने उन्हें भी बचाया। तो आपने परिचय दिया 23 तारीख को इस तरह से उसने मारा, उसके बावजूद भी, हाथ पैर सर फटने के बावजूद भी आप दूसरे ही दिन जिस तरह से जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरे और बिहार बंद कराया आपने, ये आपने परिचय दिया कि आप तेजस्वी जी के कितने मजबूत योद्धा हैं। और आपने नीतीश कुमार जी को चेतावनी दिया कि ये लालूवादी लोग हैं, ये आपके पत्थर से और गोली से और डंडे से डरने वाले नहीं हैं, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम गांधी के मानने वाले हैं, तुम पत्थर चलाओगे हम प्यार से हम आपको जवाब देंगे, तुम पत्थर चलाओगे हम मीठी बोली से अपनी बात को रखेंगे और हम अपने अधिकार को लेंगे, तुम सावरकर के मानने वाले हो, जो सावरकर अंग्रेजों के सामने माफ़ी मांगता था, मांगा और दसियों बार दर्जनों बार चिट्ठी लिखने के बाद वादा किया तब जेल से निकला, आप उसके मानने वाले हो, आप कायर हो, आप डरपोक हो कि बिहार के लाख नौजवान के बिहार पटना आ जाने से डर गए और इतना डर गए कि गुस्से में विधायकों पर हमला करवा दिया। विधानसभा के अंदर एक विधायक 3-4 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, उन विधायकों को जूतों से मरवाया, मतलब बिहार के लोगों को जूतों से मरवाया। तो बिहार के लोग तुम्हारे जूते को याद रखे हुए हैं, हुकूमत ये समझ लो कि आप
लड़ा नहीं सकते। तो जब बिहार ये देख रहा है कि विधानसभा के अंदर एक विधायक महफूज नहीं है तो आम जनता का क्या हाल है। तो हम जो निकले हैं, आज आए हैं आप लोगों के बीच इस भगवान बुद्ध की धरती पर, ये केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है बल्कि भगवान बुद्ध की धरती से नीतीश कुमार जी के सत्ता अहंकारी सत्ता के उखाड़ फेंकने का शंखनाद होने जा रहा है। इस भगवान बुद्ध की धरती से मैं ऐलान करता हूं कि तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में एक ऐसा आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं कि ये आंदोलन आखिरी आंदोलन होगा इस अहंकारी सरकार का, और इसको उखाड़ फेंकेंगे। बिहार के युवा 19 लाख रोजगार लिए बिना इनसे नहीं मानने वाले हैं। चाहे जितनी लाठी चला लो, चाहे जितने डंडे चला लो, पत्थर चला लो, गोली चला लो, जितना दम है तुम में, जो करना है कर लो। तो इसलिए ये एक नए आंदोलन का आगाज होगा और अहंकारी नीतीश कुमार के खिलाफ एक शंखनाद है आज यहाँ। तो मैं तमाम युवा राजद साथियों को मैं मिलने आया, सब जगह मिल रहा हूँ, बिहार के सभी जिला में मैं गया, यहाँ भी मैं मिलते आ रहा हूँ रास्ते भर, और भी जो बचे हुए हैं, मैं यहाँ के बाद और भी 12 चट्टी और कहाँ कहाँ सब जगह जाएंगे हम। तेजस्वी जी ने मुझे भेजा है, चूँकि वो बंगाल और आसाम के चुनाव में लगे हुए हैं, वहाँ भी मजबूरी है, देश बचाना है, पूरे देश की निगाह लालू यादव पर है, तेजस्वी यादव जी पर है। जब भी देश में जब देश पर कोई ख़तरा आता है, देश के संविधान पर, लोकतंत्र पर हमला होता है, तो देश सबसे पहले लालू जी की तरफ देखता है, तेजस्वी जी की तरफ देखता है। आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट के 5-5 जज पहली बार निकल करके आए, आज़ाद भारत में पहली बार जब उन्होंने कहा कि देश को बचा लो, सुप्रीम कोर्ट का जज जब कह रहा था कि देश को बचा लो, देश का संविधान खतरे में है, तो उस वक्त पूरा देश सन्न रह गया था, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब उस वक्त एक 28 साल का नौजवान तेजस्वी यादव निकलता है और पूरे बिहार में घूमता है और कहता है कि संविधान बचाओ यात्रा लेकर निकलते हैं वो, और पूरे बिहार के लोगों से आह्वान करते हैं कि संविधान बचाओ, देश बचाओ। फिर पूरे देश में इस तरह की यात्रा निकलने लगती है। तो अभी देश पर ख़तरा है, तो उनको आसाम और बंगाल में ज़बरदस्त तरीके से वहाँ के आवाम बुला रही है और वहाँ का डिमांड है। तो तेजस्वी जी वहाँ लगे हुए हैं, आप ही बिहार वालों का काम कर रहे हैं, क्योंकि बिहार हमेशा देश को राह दिखाने का काम किया है। तो इसलिए तेजस्वी जी वहाँ लगे हुए हैं, मुझको भेजा है, सब तरफ में जा रहा हूँ, सब जिला में, और जो हमारे साथी चोटिल हुए हैं, चाहे उनका हाथ टूटा है, सर फटा है, पैर टूटा है, उन तमाम साथियों से मैं मिल रहा हूँ, मिल करके उनको सम्मानित करता हूँ, क्योंकि वो वैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बिहार की अस्मिता को बचाने के लिए और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए और बिहार के बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए लाठियाँ खाई हैं, पैर तोड़े हैं, हाथ तोड़वाए हैं। और इस अहंकारी नीतीश कुमार बैठा हुआ जो है यहाँ, वो जो हिटलर है वो भी शर्मा रहा होगा कि तो मेरा भी बाप बिहार में बैठा हुआ है, इनको किंग जॉन कुमार बनने का शौक है। तो किंग जॉन कुमार बनने का शौक अगर है तो जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा।